हाँ चलो बच्चों, तो आपने सभी ने बुक्स अपने खोल लिए हैं ना। हाँ ठीक है ठीक है, पार्ट तीन पढ़ेंगे आज हम। और पार्ट का नाम क्या है, कौन बता रहा है? सलीमा। हाँ बोलिए, पाठ उच्चारण करिए, पाठ का नाम क्या है? बहुत बढ़िया, विद्रोही शक्ति सिंह। और लिखा किसने है, कौन बताएगा? साकेत। हाँ आप बोलिए। गुड, श्री विश्वंबर नाथ शर्मा, जिनको बाद में हम कौशिक जी के रूप में भी जाने, यानी उन्होंने अपना उपनाम भी रख लिया और पूरा हो गया श्री विश्वंबर नाथ शर्मा कौशिक। ठीक है, तो इनके द्वारा लिखित आज हम पाठ पढ़ेंगे विद्रोही शक्ति सिंह। बच्चों आपको बता दूं कि नाम तो है शक्ति सिंह, ठीक है, लेकिन पाठ के नाम में विद्रोही ऐसा दे दिया है, तो नाम किसी का विद्रोही नहीं होता है। चूंकि शक्ति सिंह ने अपने भाई के साथ विद्रोह किया था, इसलिए उसे नामांकित कर दिया गया था विद्रोही। ठीक है, जैसे हम शरारत करते हैं तो बड़ा शरारती ऐसा कहते हैं ना, है ना, बड़ा मजकिया ऐसा कहते हैं ना, उसी तरह से इन्होंने चूंकि विद्रोह किया भाई के साथ में, इसलिए विद्रोही ऐसा शब्द इनके नाम के सामने लगाया गया है। तो पाठ का पूरा नाम हो गया है विद्रोही शक्ति सिंह। बच्चों थोड़ी सी बात हम इस पाठ को लेकर के एक सारांश रूप में देख लेते हैं जो आपके सामने है, कि दो ऐतिहासिक पात्रों के माध्यम से भाई भाई के संबंधों के प्रेम, प्रतिशोध, अंतर्द्वंद, ग्लानि भाव और भावनाओं के आवेग को कुशलता के साथ चित्रित किया है। एक छोटे से मुद्दे पर महाराणा प्रताप और शक्ति सिंह में मतभेद होता है। अपमान से आहत और प्रतिशोध भाव से भरा हुआ शक्ति सिंह क्रोध के आवेग में चित्तौड़ छोड़कर आगरा अकबर के शरण में चला जाता है। मैं समझाना चाहती हूँ, आपके लिए शब्द बड़े कठिन है ना। तो दो ऐतिहासिक पात्र, ऐतिहासिक पात्र मतलब क्या हुआ, इतिहास से संबंधी, एक प्रत्यय, इतिहास जन एक हो गया ऐतिहासिक। तो इतिहास में, इतिहास मतलब बीता हुआ कल, ठीक है, जिसको हम पढ़ते हैं इतिहास के रूप में, तो उसी इतिहास में हम ये नाम पढ़ते हैं शक्ति सिंह के बारे में, महाराणा प्रताप के बारे में। तो दो ऐसे पात्र, पात्र मतलब चरित्र यानी व्यक्ति विशेष, तो दो पात्रों के माध्यम से इस कहानी में, मतलब दो भाई हैं दोनों, एक तो शक्ति सिंह और एक राणा प्रताप, ठीक है, तो ये दोनों के बीच के जो संबंध में, मतलब दोनों के बीच के जो संबंध थे आपसी, आपस में एक दूसरे के बीच में जो प्रेम था, यानी असीम प्रेम था, और जब यही बदला किसमें, प्रतिशोध यानी बदला, तो बदला लेने की भावना भी उसी स्तर पर बढ़ी। अंतर्द्वंद, अंतर्द्वंद का मतलब होता है अंदर, अंदर यानी मन में, ठीक है, द्वंद यानी करो ना करो, मतलब एक जो उहा पोह चलती है, ठीक है, हाँ ना इस तरह, तो मन के अंदर जो उनका एक तरह से ये जो विचार है जो, ठीक है ना, कि क्या हो क्या ना हो, इसे हम कहेंगे अंतर्द्वंद। ग्लानि भाव, ग्लानि मतलब एक तरह से पछतावा जैसे बात भी आती है, उसको हम कहेंगे ग्लानि। और भावनाओं के आवेग को, और मन में और तरह तरह की बातें उठ रही हैं, उसे हम कहेंगे भावना। तो इन सारे आवेग को कुशलता के साथ कौशिक जी ने बड़ा अच्छे ढंग से यहाँ पर चित्रित किया हुआ है। एक छोटे से मुद्दे पर महाराणा प्रताप और शक्ति सिंह दोनों भाई के बीच में मतभेद हो जाता है। मतभेद, देखिए एक जैसे शब्द होते हैं मनभेद और मतभेद, ऐसा कहते हैं बच्चों कि मतभेद हो जाए, मनभेद नहीं होनी चाहिए, यहाँ मतभेद है। मत मतलब विचार और भेद मतलब अलग अलग, तो दोनों के विचार आपस में टकरा गए, मिल ले रहे हैं, ठीक है, इसलिए क्या हो गया, दोनों के बीच में एक बहस हो गई होगी। और अपमान से आहत, आहत मतलब पीड़ित कुल मिलाकर के, प्रतिशोध यानी बदला लेने की भावना से भरा हुआ शक्ति सिंह क्रोध के आवेग में चित्तौड़ छोड़कर आगरा अकबर के शरण में चला जाता है। क्योंकि ये राजपूत हैं, तो इनका कहाँ है, जयपुर उदयपुर ये सब रहे हैं, ठीक है, लेकिन जब दोनों भाई में आपस में मिलगांव की स्थिति आती है, तो शक्ति से जो है अपने भाई प्रताप को छोड़कर के आगरा, जहाँ पर अकबर हुआ करते थे, जिनका किला था, उनका आवास था, वहां ये अकबर के शरण, शरण मतलब उनके साये में चले जाते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, उसके मन में महाराणा प्रताप से बदला लेने की पर्वती आकांक्षा है, आकांक्षा मतलब इच्छा। मुगल और राजपूतों के मध्य युद्ध में शक्ति अकबर की ओर से लड़ रहा होता है,
राजपूतों की पराजय के मध्य जब महाराणा सेनानायकों के दबाव में युद्ध के मैदान से सकुशल निकल जाने के लिए बाध्य किए जाते हैं, होता क्या है कि जब अकबर और महाराणा प्रताप की सेना दोनों युद्ध करती है, इधर क्या है महाराणा प्रताप से बदला लेने के लिए शक्ति सिंह के मन में ज्वाला धधक रही है, ठीक है, तो वो चाह रहे हैं कि ऐसे समय में मैं जाऊं और लड़ूं और अपने भाई को मैं पराजित करूं, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। और होता क्या है बीच में कि महाराणा प्रताप जो है कैसे भी करके युद्ध क्षेत्र से अच्छे भले निकल करके चले जाते हैं, सब कुशल कुशलता पूर्वक, ठीक है, वो निकल जाते हैं, मतलब उनको बाध्य किया जाता है कि आप रण छोड़ करके जाइए, तो वो निकल जाते हैं। निकलने के बाद क्या होता होगा आप सोचते होंगे कि शक्ति सिंह इस रणनीति को ताड़ लेता है। रणनीति मतलब रण यानी युद्ध, नीति मतलब नियम। इस युद्ध के नियम को शक्ति सिंह पहचान लेता है और बदला लेने का उपयुक्त अवसर समझ अपने घोड़े को महाराणा के पीछे लगा देता है। रास्ते में वीर राजपूत योद्धाओं के मातृभूमि पर बलिदान और उत्सर्ग देखकर शक्ति सिंह का हिंसा भाव ग्लानि से भर उठता है। महाराणा के समक्ष नतमस्तक बच्चों की तरह फूट फूट कर रोता हुआ वीर शक्ति भाई के चरणों में अपना शीश चढ़ाकर प्रायश्चित करने का आदेश मांगता है। इस कहानी का एक और सबल पक्ष है शक्ति सिंह की पत्नी की भावनाओं की जीत। जब युद्ध क्षेत्र से महाराणा प्रताप निकलना चाहते हैं जाते हैं तो शक्ति को पता चल जाता है कि प्रताप जो है निकल करके जा रहे हैं। उन्हें लगता है बहुत अच्छा अवसर है, मैं बदला ले सकता हूँ, अकेले प्रताप पर वार कर सकता हूँ, और उसका पीछा करते हैं। जब पीछा करते हुए जाते हैं तो उन्होंने देखा कि पूरे रास्ते में कटे हुए सिर हाथ पैर मतलब वीर सिपाहियों के जाबाज सैनिकों के शव जो है वो पड़े हुए होते हैं। उन्हें देखकर शक्ति सिंह के मन में ग्लानि भाव जागृत होती है, मतलब पीड़ित होते हैं, और फिर वो अपने भाई राणा के पास में नतमस्तक होकर के खूब यानी रोते हैं बच्चों की तरह। और फिर होता यही है बच्चों जो भाई भाई के बीच होनी चाहिए, दोनों भाई आपस में मिल जाते हैं। और फिर एक बात यह भी है ना कि अपने लोगों के बीच में जाने के बाद अपना जो क्रोध होता है आक्रोश होता है अपनी जो पीड़ा होती है वो सारे काफूर होते हैं चले जाते हैं, यही बात यहाँ पर आई। तो इस कहानी में यही बताया गया है कि अपनों के साथ में रहने से या अपनापन अपने लोगों को खींचता है, और हम अपनों के साथ मिल जाते हैं, पराए हमें कितने अच्छे से भी रखते हो लेकिन हम परायों का साथ नहीं दे पाते हैं। और दूसरी बात यहाँ पर यह बता दी गई है कि जो शक्ति सिंह की पत्नी है उस पत्नी की जो मन में जो भावनाएं हैं उन भावनाओं की जीत कैसे हुई है, इसे हम थोड़ा विस्तृत रूप से पाठ के माध्यम से यहाँ पर अब देखेंगे, ठीक है। तो मूल में क्या निकल गया है, दो भाइयों की आपस के वैमनस्य के कारण दोनों में फूट हो जाती है और वो अपना घर छोड़ करके वो चले जाते हैं आगरा में और अकबर के साथ रहते हैं, बदला लेना चाहते हैं भाई से, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है, दोनों आपस में मिल जाते हैं, ठीक है। अब उनकी पत्नी की जीत कैसे होती है, यानी भावनाओं की, पत्नी की जीत मतलब उनकी भावनाओं की जीत। देखिए जब शक्ति सिंह की पत्नी को पता चलता है कि ये अपने भाई के खून के प्यासे हो रहे हैं तो एक अच्छी एक बहू है, अच्छी एक पत्नी है ना, अच्छी एक नारी है जो सोच पाती है कि भाई भाई में आपस में दुश्मनी नहीं होनी चाहिए, इसलिए वो समझाने का प्रयास करती है। भावनाओं की बात की गई है ना इस पाठ में, यही भावना है। अपने पति से वो कह रही है मान जाओ तुम्हारे उपयुक्त यह कार्य न होगा, यानी वो कह रहे हैं कि तुम्हें मानना ही होगा, तुम ऐसा नहीं करो, तुम्हारे लिए काम उचित नहीं है। पति कहते हैं चुप रहो तुम क्या जानो, इसमें वीरता नहीं अन्याय है। पत्नी कह रही है कि नहीं आप शांत होइए और धोखे से या अपने भाई को मार देना कोई वीरता बहादुरी की बात नहीं बल्कि ये एक तरह से अन्याय होगा। शक्ति सिंह कहते हैं कि बहुत दिनों की धधकती हुई ज्वाला आज शांत होगी। शक्ति सिंह एक लंबी सांस फेंकी और अपनी पत्नी को देखा, छी छी कलंक लगेगा अपराध होगा। पत्नी कहती नहीं बहुत गंदी बात है ये, आपको कलंक लगेगा अपयश होगा अपराध होगा आपको लगेगा क्योंकि आप भाई के लिए शत्रुता मोल ले रहे हैं। अपमान का बदला लूंगा, प्रताप के गर्व को मिट्टी में मिला दूंगा, आज मैं विजयी होऊंगा। बड़ी दृढ़ता से कहकर शक्ति सिंह ने शिविर के द्वार पर से देखा, मुगल सेना के चतुर सिपाही अपने अपने घोड़ों की परीक्षा ले रहे थे, धूल उड़ रही थी, बड़े साहस से सब एक दूसरे में उत्साह भर रहे थे। शक्ति सिंह जहाँ खड़े हुए हैं पत्नी से बात कर रहे हैं, वहां से बाहर का दृश्य दिख रहा है बच्चों, और वहां वो देखते हैं कि मुगलों की सेना, मुगलों की सेना मतलब अकबर, अकबर कौन है, मुगल सम्राट थे ना,
और चूंकि शक्ति सिंह मुगलों से मिल गए थे, अकबर के पास आ गए थे, ठीक है। तो अकबर के सेना के पास की बात कर रहे हैं कि जब उन्होंने अपने घर से देखा तो मुगल के जो सेना है, मुगलों की जो सेना है, वो अपने अपने घोड़ों की परीक्षा ले रहे थे। कोई पुट्ठा सहला रहा है, कोई उसको उछला करके देख रहा है, तो कोई जो है एक दूसरे को मतलब और उत्तेजित कर रहे हैं। इस प्रकार से वहां मुगल सैनिक जो है अपने आप में उत्साहित नजर आ रहे थे, जिसे शक्ति सिंह ने बड़े ध्यान से देखा। निश्चय ही महाराणा की हार होगी, 22,000 राजपूतों को दिन भर में मेरे द्वारा बुलाई गई मुगल सेना काट कर सूखे डंठल की भांति गिरा देगी, साहस से शक्ति सिंह ने कहा। जब शक्ति सिंह ने यह कहा कि मैं जो सेना बुला कर रखा हूं मुगलों की, वो 22,000 राजपूतों को, यानी अपनी ही बिरादरी की सेनाओं के लिए वो कह रहे हैं कि हम इस राजपूत सेना को मुगल की सेना जो है, यानी अकबर की सेना जो है, वो सूखे डंडियों की भांति काट करके गिरा देंगे। पत्नी ने जब सुना तो कहा, भाई पर क्रोध करके देशद्रोही बनोगे। कहते कहते उस राजपूत बालक की आंखों से चिंगारियां निकलने लगी। क्या मतलब निकला कि जब उन्होंने कहा कि सर हमारे सैनिकों को, मतलब राजपूत होकर राजपूत सैनिकों को कटे जाने की बात करने पर उनकी पत्नी को बड़ी पीड़ा होती है और एकदम क्रोध से कांपते हुए कहती है कि तुम देशद्रोही बनना चाहते हो, इस तरह से उसकी आंखों में चिंगारियां निकलने लगी। मतलब क्रोध का आवेग जो है बहुत ज्यादा उसकी पत्नी को होने लगा। शक्ति सिंह अपराधी की तरह विचार करने लगा। जलन का उन्माद नस नस में दौड़ रहा था, प्रताप के प्राण लेकर ही छोड़ूंगा, ऐसी प्रतिज्ञा उसने की थी। नादान दिल किसी तरह ना मानेगा, उसे कौन समझा सकता था। अब क्या करे, उसे भी बड़ी थोड़ी सी बात लगती है कि मैंने कह तो दिया कि मैं प्रताप के प्राण को लूंगा, लेकिन हकीकत में अपराधी तो मैं सिद्ध होऊंगा, उन्हें पता है, लेकिन फिर भी क्या करें, जो पीड़ा है, जो अपमान की जो बात है उसके अंदर जो धर गई है कहना चाहिए, उसे वो निकाल नहीं सकता। तो उन्माद का, यानी जलन का उन्माद, जलन मतलब अंदर जो पीड़ा हो रही, दुख के या आवेग से जो पीड़ा आ रही है उसको हम कहेंगे जलन का उन्माद। नस नस में मतलब दौड़ रहा था, फड़क रहा था, और अभी भी वो कहता है मैं प्रताप को छोड़ूंगा नहीं, मैं उससे बदला लूंगा ही, और इस तरह से वो कह रहा है कि मैं अपने दिल को समझा नहीं सकता, वो अंदर से ही बात कर रहा है। रणभेरी बची, कोलाहल मच गया, मुगल सैनिक मैदान में एकत्रित होने लगे, पत्ता पत्ता खड़खड़ा उठा, बिजली की भांति तलवारें चमक रही थी। उस दिन सब में उत्साह था, युद्ध के लिए भुजाएं धड़कने लगी थी। बच्चों यहाँ पर एक युद्ध क्षेत्र का वर्णन किया गया है कि जब युद्ध में जाते हैं तो सैनिकों में किस तरह उत्साह होता है। अगर उत्साह नहीं होगा तो वो लड़ नहीं पाएंगे, सीधी सी बात है। तो रणभेरी, रणभेरी मतलब युद्ध की क्या कहना चाहिए, जो आवाज है, मतलब या तो शंख के रूप में शंखनाद करते हैं या फिर तुरही वगैरह बजाते हैं, यानी शुरू कर रहे हैं, उसका एक इशारा होता है। इसलिए कह रहे हैं रणभेरी, युद्ध के लिए शुरुआत करनी, उसकी शंखनाद हुई और लोगों में कोलाहल मच गया और सारे के सारे सैनिक जो है जगह इकट्ठा होने लगे। पत्ता पत्ता खड़क गया का मतलब क्या है कि एक एक पत्ता, यानी जर्रा जर्रा, यानी एक एक पल पल की सारी जो चीजें हैं वो उत्तेजित होकर के दिखने लगी। ठीक है, शक्ति सिंह ने घोड़े की लगाम पकड़कर कहा, आज अंतिम निर्णय है, मरूंगा या मार कर ही लौटूंगा। शिविर के द्वार पर खड़ी मोहिनी अपने भविष्य की कल्पना कर रही थी। उसने बड़ी गंभीरता से कहा, ईश्वर आपको सद्बुद्धि दे, यही प्रार्थना है। पत्नी क्या कह सकती थी, है ना, पति को समझाते तक समझाया उसने, लेकिन पति ने माना ही नहीं, वो तो युद्ध के लिए निकल पड़े। तो उन्होंने कहा कि आपको ईश्वर सद्बुद्धि दे। बच्चों आप जानते होंगे कि जब हम कोई काम नहीं कर पाते हैं, जो हमारे वश से बाहर चला जाता है, हमारे अधिकार से जब बाहर चला जाता है ना, तो हम किसकी शरण में जाते हैं, ऊपर वाले के, है ना, उस परमपिता परमात्मा के। तो यहाँ पर मोहिनी भी वही कहती है कि हे प्रभु इनको बुद्धि दो, या प्रभु ही आपको सद्बुद्धि दे, ये प्रार्थना को करने लगती है। एक महत्वपूर्ण अभियान के विध्वंस की तैयारी थी। प्रकृति कांप उठी, घोड़े और हाथियों के चित्कारों से आकाश थरथरा उठा, बरसाती हवा के थपड़े से जंगलों के वृक्ष रणनाद करते हुए झूम रहे थे, पशु पक्षी भय से त्रस्त होकर आश्रय ढूंढने लगे। बड़ा प्रतिकूल और विकट समय था। मतलब ये चित्रण है किसका, युद्ध क्षेत्र का, उस दृश्य का, कि कैसे एक महत्वपूर्ण अभियान के विध्वंस, अभियान मतलब कोई योजना, और विध्वंस यानी तहस नहस करना।
तो ऐसी कोई योजना बनी थी जिसमें सारे प्रकृति में मतलब नश्वरता जो है आने वाली नष्ट हो जाएगी, तो ये तैयारी थी, प्रकृति भी कांप रही है। दो योद्धाओं को देख करके प्रकृति के अंदर ये भय है कि पता नहीं क्या होगा, घोड़े चिंघाड़ रहे हैं, हाथी चिंघाड़ रहे हैं और बरसाती हवा के थपेड़े, यानी बरसात के समय जैसे हवा के थपेड़े, जैसे बारिश की हवा, आपने कभी गौर किया है, आपने कभी देखा नहीं होगा, है ना, किसी ने बताया होगा बारिश की जब हवा होती है बच्चों, तो पानी से भीगे हुए डाल जब इस तरह लहराते ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया में तूफान आ जाएगी। तो वही कह रहे हैं बरसाती हवा के थपेड़े, जंगल जो है, जंगलों में जो वृक्ष है कहना चाहिए वो रणनाद कर रहे थे, वो भी युद्ध के भेड़ी बजा रहे थे, यानी कि दुरही बजा रहे थे, और यहाँ तक कि पशु पक्षी भी घबरा करके यहाँ से वहां से आश्रय लेते हुए वो भटक रहे थे। बड़ा ही प्रतिकूल यानी विषम परिस्थितियां वहां पर छापी थी। उस भयानक मैदान में राजपूत सेना मोर्चाबंदी कर रही थी, हल्दी घाटी की ऊंची चोटियों पर भी लोग धनुष चढ़ाए उन्मत्त खड़े थे। महाराणा प्रताप की सेना राजपूत की सेना है, ठीक है, और महाराणा प्रताप कहाँ थे, हल्दी घाटी। हल्दी घाटी की जो पहाड़ियां हैं बच्चों काफी ऊंची ऊंची हैं, उस पे भील लोग जो है, उस बिरादरी के जो लोग थे वो धनुष बाण चढ़ाए वहां खड़े हुए थे। महाराणा की जय शैलमाला से टकराती हुई ध्वनि मुगल सेनाओं में घुस पड़ी। यानी जब उन वीर सिपाहियों ने, किसके, राजपूत सेना के जो भील लोग थे ना, उन्होंने अपने राजा की जय जयकार की, महाराणा की जय, जब उन्होंने जय की चित्कार की आवाज की तो पहाड़ियों से, यानी शैलबाला से, पत्थरों के पहाड़ से टकराती हुई आवाज जाके कहां घुस गई, मुगलों की सेना तक उनकी आवाज जो है वो पहुंच गई, मनुष्य हिंसक जंतुओं की भांति, ठीक है। यानी महाराणा की जय शैलबाला से टकराती हुई ध्वनि मुगल सेनाओं में घुस गई, युद्ध आरंभ हुआ। भैरवी रणचंडी ने प्रलय का राग छेड़ा, मनुष्य हिंसक जंतुओं की भांति अपने अपने लक्ष्य पर टूट पड़े, सैनिकों के निडर घोड़े हवा में उड़ने लगे। भैरवी रणचंडी ने मतलब युद्ध की देवी ने अपना प्रलय का राग छेड़ दिया। प्रलय मतलब समझते हो क्या होता है, प्रलय मतलब कुल मिलाकर के एक तरह से पूरी दुनिया में परिवर्तन हो जाना, मतलब पूरा तहस नहस हो जाना, विप्लव हो जाना, यानी सारी चीजों को अब नष्ट हो जाना है और बाद में फिर उसके बाद प्रकृति एक नया सृजन करेगी, बात की बात है, लेकिन नष्ट होना यहाँ पड़ता है, वही है प्रलय, ठीक। तलवारें चमकने लगी, पर्वतों के शिखरों पर से विशाले बाण मुगल सेना पर बरसने लगे, सूखी हल्दी घाटी में रक्त की धारा बहने लगी। महाराणा आगे बढ़े, शत्रु सेना व्यू टूटकर, यानी शत्रु सेना का व्यू टूटकर तितर बितर हो गया, दोनों ओर के सैनिक कट कट कर गिरने लगे, देखते ही देखते लाशों के ढेर लग गए, मतलब एक तरफ मुगल दूसरी तरफ राजपूत सेना, वो उन पर हमला कर रही है, मुगल राजपूत पर, राजपूत मुगलों पर हमला कर रही है, महाराणा प्रताप जो है अकबर पर, अकबर की सेना जो है महाराणा प्रताप की सेना पर, इस प्रकार सारी सेना तितर बितर एक दूसरे के बीच में घुस पड़ी है और लाशों के ढेर वहां पर लगने लगे हैं, सैनिक कट कट कर वहां पर गिरने लगे हैं। इस चीज का चित्रण यहाँ पर लेखक ने किया है। भूरे बादलों को लेकर आंधी आई, सलीम के सैनिकों को बचने का अवसर मिला, मुगलों की सेना में नया उत्साह भर गया, तोप के गोले उथल पुथल करने लगे, धाएं धाएं करती बंदूकों से निकली हुई गोलियां दौड़ रही थी, ओह जीवन कितना सस्ता हो गया है। भूरे बादलों को लेकर आंधी आई, मतलब ऐसा लग रहा था कि भूरे बादल जमीन पर छा रहे हैं, क्यों ऐसा लगा होगा, बादल का रंग क्या भूरा होता है, बिल्कुल नहीं होता, लेकिन जो सैनिक नीचे घोड़े हाथी पैदल जो सैनिक दौड़ रहे ना नीचे, तो उनके टापों के जमीन पर पड़ने से धूल के गुब्बार जो है ऊपर उठ रहे हैं, और धूल के गुब्बार जब ऊपर उठने लगे तो आसमान धुंधला हो गया, तो ऐसा लग रहा था कि बादल जो है, भूरे बादल जो है जमीन पर पे उतर आए हैं, तो इसी बीच में थोड़ा सा अंधकार सा छा गया, तो हुआ ये जो सलीम थे, सलीम कौन है पता है आपको, अकबर का बेटा है सलीम, तो सलीम के सैनिक, सलीम के सैनिकों को बचने के लिए एक अवसर मिल गया, यानी वहां से बच सकते थे और उन्होंने अपनी सेना को लेकर के वहां से लेकर के वहां से जाना उन्होंने सुनिश्चित किया। लेकिन फिर भी ऐसा हुआ कि मुगलों की सेना में एक नया उत्साह भर गया, जब उन्होंने देखा कि हमारा सेनापति हमारे साथ है, बड़े उत्साह के साथ उन्होंने लड़ना शुरू कर दिया, और फिर वही युद्ध क्षेत्र की गोलियां यहां से वहां चल रही है, लोग सोचते हैं कि क्या जीवन वाकई इतना सरल है, मतलब युद्ध क्षेत्र में गोली खाया और एक सैनिक जो है मर गया, तो बच्चों क्या हमारा जीवन इतना सस्ता होता है, यही चीज यहाँ पर लेखक ने कल्पना की। महाराणा शत्रु सेना में सिंह की भांति उन्मत्त होकर के घूम रहे थे, उन्मत्त होकर मतलब एकदम पागल हाथी की तरह चिंघाड़ते हुए वो शत्रु सेना, अकबर की सेना के बीच में वो घूम रहे थे, जान की बाजी लगी थी,
वे सब तरफ से घिरे थे, हमला पर हमला हो रहा था, राणा संकट में पड़े थे, बचना कठिन था, लेकिन इतने के बाद भी उनके पैर उखड़े नहीं थे। कहते हैं कि मेवाड़ का सौभाग्य क्या इतना दुर्बल था, यानी इतना दुर्बल नहीं था। यानी यहाँ चित्र बता रहे हैं महाराणा के बारे में कि वो कई बार घायल होने के बाद भी शत्रु की सेना के बीचों बीच प्रवेश कर गए हैं, चारों तरफ से वो घिर गए हैं, लेकिन ये नहीं है कि राणा वहां से भाग खड़े हों या पलायन कर जाए। ठीक है, इसलिए उनके उत्साह और उनके पराक्रम की बात यहाँ पर लिखने की है। ठीक है, मानसी की कुमंत्रणा सत्य सिद्ध होने वाली थी, ऐसे आपत्ति काल में वह वीर सरदार सेना सहित वहां कैसे आया। आश्चर्य से महाराणा ने उसकी ओर देखा और मन्ना ने उनके मस्तक से मेवाड़ के राज चिन्ह उतार कर स्वयं धारण कर लिया। राणा ने आश्चर्य होश से पूछा, अरे यह क्या। आज लगने लगा कि मानसिंह ने जो कुमंत्रणा की है वो आज बिल्कुल सच होकर रहने वाली है। लेकिन उन्होंने देखा कैसे आपत्ति काल में वह वीर सरदार सेना से पता नहीं कैसे यहाँ इस शत्रु के व्यू में कैसे प्रवेश कर दिए। वो सोचते रह गए, लेकिन अचानक उन्होंने देखा कि मन्ना जी ने राजा जी के यानी प्रताप के सिर पे जो मस्तक में जो मुकुट है उस मुकुट को उन्होंने उतारा, यानी राजचिन्ह को, और उतार करके उन्होंने इसे अपने में धारण कर लिया। राणा ने आश्चर्य से देखा और जोर से पूछा गरज करके, यह क्या, मतलब मेरे राजमुकुट को तुम कैसे धारण कर रहे हो, राजचिन्ह को, ये उन्होंने उनसे पूछा। लेकिन वहां कुछ बताने के लिए बच्चों समय नहीं था। उन्होंने कहा, आज मरने के समय एक बार राजचिन्ह धारण करने की बड़ी इच्छा हुई है। हंसकर मन्ना जी ने कहा, राणा ने उनकी उन्मादपूर्ण हंसी में अटल धैर्य देखा। उस समय जवाब तलब करने का कोई समय था नहीं, उन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि आज अंतिम समय है मेरा, क्योंकि जानते थे मन्ना जी कि मैं अब घिर गया हूँ और आज मैं मारा जाऊंगा। तो वो कहते हैं, मरने के पहले मैं आपके इस राजचिन्ह को धारण करना चाहता था, इसलिए मैंने ऐसा किया। मुगलों की सेना में शक्ति सिंह इस चातुरी को समझ गया। उसने देखा घायल प्रताप रण क्षेत्र से जीते जाते निकले चले जा रहे हैं और वीर मन्ना जी को प्रताप समझकर मुगल उधर ही टूट पड़े हैं। उसी समय दो मुगल सरदारों के साथ महाराणा के पीछे पीछे शक्ति सिंह ने भी अपना घोड़ा छोड़ दिया। क्या हुआ कि जब मन्ना जी ने राणा प्रताप के मस्तक से मुकुट लेकर जब अपने सर में उन्होंने धारण किया, वहां से प्रताप को जाने के लिए कहा, प्रताप उस युद्ध क्षेत्र को छोड़ करके निकलने लगे। शक्ति सिंह दूर से देख रहे हैं और वो समझ गए इस चतुराई को कि यहाँ पर प्रताप को बचाया जा रहा है, इसलिए वो प्रताप के पीछे हो लेते हैं। और इधर जो मुगल सिपाही हैं उन्होंने भी देख लिया था कि प्रताप जो है युद्ध छोड़ करके जा रहे हैं। ठीक है, तो मुगल के जो दो तीन सिपाही हैं उन्होंने प्रताप को देखा, उनका पीछा किया और शक्ति सिंह भी प्रताप के पीछे गए। लेकिन शेष जो मुगल सैनिक थे उन्होंने मन्ना जी को प्रताप समझ करके युद्ध में संलग्न रहे। दो स्थितियां यहाँ पर बताई गई है। ठीक है, अब देखते हैं कि उनके पीछे घोड़ा जा रहा है तो अब क्या होने वाला है। ठीक है, खेल समाप्त हो रहा था, स्वतंत्रता की बलि वेदी पर सन्नाटा छा गया था। जन्मभूमि के चरणों पर मर मिटने वाले वीरों ने अपने को स्वर्ग कर दिया था। 22,000 राजपूत वीरों में से केवल 8,000 बच गए थे। अब खेल समाप्त होने वाला, क्योंकि 22,000 सैनिक थे और 22,000 सैनिक में से समझ लीजिए एक तिहाई बच गए, 8,000 बचे हुए हैं, तो कब तक के लड़ेंगे। तो जाहिर सी बात है कि अब धीरे 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 जो है सन्नाटा पसर जाएगा, लेकिन होगा क्या, सोचना ही पड़ेगा। ठीक है, विद्रोही शक्ति से चुपचाप सोचता हुआ अपने घोड़े पर चला जा रहा था। मार्ग में शव कटे पड़े थे, कहीं भुजा कहीं शरीर से लग पड़ी थी, कहीं धड़ कटा हुआ पड़ा था, कहीं खून से लथपथ मस्तक भूमि पर गिरा हुआ था। कैसा परिवर्तन है, दो घड़ियों में हंसते बोलते और लड़ते हुए जीवित पुतले कहाँ कहाँ चले गए। ओ ऐसे मेरे जीवन पर इतना गर्व। यानी शक्ति से जब पीछा करते हुए जाते हैं प्रताप के, तो रास्ते भर देखते हैं किस तरह शव पड़े हुए, किसी के हाथ हैं तो किसी के पैर हैं, किसी के धड़ हैं तो खून से लथपथ दिख रहे हैं, पूरी यहाँ से वादियाँ जो है खून से सने हुए हैं। तो उनको लगता है थोड़ी देर पहले तक तो क्या स्थिति थी और अभी क्या दिखाई पड़ रहा है। तो मनुष्य का जीवन का हंसता मुस्कुराता दो पल में चला जाएगा, इस तरह से नष्ट होता है। तो बच्चों युद्ध का जो मंजर होता है, मतलब युद्ध का जो दृश्य है ना, वो वैसा ही होना है। ठीक है, जो शक्ति सिंह को यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। ठीक है, शक्ति सिंह की आंखें ग्लानी से छलछला गई। ये सब भी राजपूत थे, मेरी ही जाति के खून थे, हाय रे मैं और मेरा प्रतिशोध पूरा हुआ। क्या सचमुच पूरा हुआ, नहीं यह प्रतिशोध नहीं, अधम शक्ति यह तेरे चिरकाल के लिए पैसाचिक आयोजन था। तू भला पागल, तू प्रताप से बदला लेना चाहता था, उस प्रताप से
जो अपनी स्वर्ग आदपी गरियसी जन्मी जन्मभूमि की मर्यादा बचाने वाला था, वह जन्मभूमि जिसके अन्न जल से तेरी नसें भी फूली फली है, अब भी माँ की मर्यादा का ध्यान कर। जब घोड़े में चढ़ रहे थे और जब उन्होंने युद्ध के मंजर को देखा, उस स्थिति को जब उन्होंने देखा तो उसके अंदर में ग्लानि की भाव जो है वो उत्पन्न होने लगी। वो सोचने लगा कि क्या वाकई, यानी ये जारी सारे जो खून है, ये सारे जो शव है वो किनके हैं? राजपूत सेना के तो है। तो कहता है कि हाय रे मैं, मतलब अपने आप को धिक्कारता है, मैं और मेरा प्रतिशोध यानी मेरा बदला क्या वाकई पूरा हुआ इतने लोगों को मारने के बाद? यानी मैंने एक राजपूत होकर के राजपूतों पर वार किया, क्या यही मेरा बदला है, यही मेरा प्रतिशोध है? अरे अधम शक्ति, मतलब नीच, यानी तुम निम्न कोटि के हो, चिरकाल तक तेरे लिए, यानी जो चिरकाल मतलब लंबे समय तक, ये जो तेरा पैशाचिक आयोजन है, मतलब पिशाच, पिशाच ने राक्षस की भांति जो तूने ये काम किया है, तूने हरकत की है, इसे लोग नहीं भूलेंगे। तू पागल है, तू प्रताप से बदला लेना चाहता है, उसका मन धिक्कारता है उस प्रताप से जिन्होंने अपनी मातृभूमि को जन्मी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरियसी, यानी अपने मातृभूमि को स्वर्ग और माँ से भी जिन्होंने महान माना, ऐसे मर्यादा से युक्त उस व्यक्ति के लिए तुमने इस तरह से हरकत की है, तुमने गलत किया है। यानी अब भी माँ की मर्यादा का ध्यान कर। प्रताप तो अपनी माँ की मर्यादा की रक्षा कर ही रहा है, अब भी तेरे पास समय है शक्ति, तू चाहे तो अपनी माँ की मर्यादा का ध्यान कर सकता है। उसके अंदर से एक आवेग जो है वो प्रतिशोध हट करके प्राश्चित की आग जो है उसके अंदर में आने लगी। सहसा धाय धाय गोलियों का शब्द हुआ। चौंक कर शक्ति सिंह ने देखा, दोनों मुगल प्रताप का पीछा कर रहे थे। महाराणा का घोड़ा लस्त पस्त होकर झूमता हुआ गिर रहा था। अब भी समय है। शक्ति के हृदय में भाई की ममता उमड़ पड़ी। फिर एक आवाज हुई, रुको। अचानक चलते चलते उसने देखा कि धाय धाय गोलियों की दो आवाज हुई और शक्ति से अचानक पलट कर देखा, क्योंकि वो तो सोचते सोचते चला जा रहा है ना, पीछे पलट कर देखा कि दो मुगल सैनिक हैं जिन्होंने दो गोली डाली थी और वो दोनों किसको लगी? घोड़े को। घोड़ा जो है अब लहरा करके गिरने वाला है। ठीक है, शक्ति के अंदर में फिर से वो बात आती है कि शक्ति तो अभी भी समझ, तेरे पास अभी भी समय है। और फिर उसके बाद भाई की ममता जो है उसके अंदर में अचानक जागती है और फिर उन्होंने आवाज दिया, रुको। दूसरे क्षण शक्ति सिंह की बंदूक छूटी, पलक मारते दोनों मुगल सरदार वहां पे जहां थे जहां के तहां वहां ढेर हो गए। महाराणा ने क्रोध से आंखें चढ़ाकर देखा, वे आंखें पूछ रही थी, क्या मेरे प्राण पाकर निहाल हो जाओगे? राजपूतों के खून से भी तुम्हारी हिंसा तृप्त नहीं हुई? यानी अपने भाई से कह नहीं रहे। आंखें चढ़ाकर उन्होंने देखा, यानी अपने भाई को हुआ क्या हुआ? देखो, जब दो मुगल सैनिक प्रताप की तरफ बंदूक ताने और उन्होंने गोली चलाई तो गोली किसको लगी? घोड़े को। बहुत बढ़िया, ठीक है। अब उसके बाद उन मुगलों को रोकने के लिए शक्ति ने कहा रुको और वो गोली चलाने वाला था। इसी बीच में प्रताप ने देख लिया शक्ति को। प्रताप को नहीं पता कि शक्ति इन पर बंदूक चलाने वाला है। उन्हें लगा कि शक्ति अब मुझे मारेगा, इसलिए वो भी कहते हैं, यानी वो आंखें उठा करके तरेर करके देखते हैं, मानो आंख ही आंख से पूछ रहे होंगे कि क्या तुम प्रताप को पाकर, यानी मेरी जान लेकर के क्या तुम निहाल हो जाओगे? यानी तुम्हें क्या स्वर्ग मिल जाएगा? तुम क्या इतने संतुष्ट हो जाओगे? यानी क्या इतने राजपूतों की ये जो खून जो धरती पे सनी पड़ी दिख रही है, क्या उससे तुम्हारी हिंसा, हिंसा मतलब जो मार काट करने की जो लालसा होती है, वो तुम्हारी तृप्त नहीं हुई? इन्हें पूछी नहीं? ये मन ही मन वो सोच रहे हैं। लेकिन यह क्या, अचानक वो देखते हैं कि शक्ति सिंह तो महाराणा के सामने नतमस्तक खड़ा है, बच्चों की तरह फूट फूट कर रो रहा है। शक्ति सिंह ने कहा, नाथ, सेवक अज्ञान में भूल कर गया था, आज्ञा हो तो इन चरणों पर मैं अपना शीश लाकर प्रायश्चित करूं। अपने भाई से कहते हैं कि नाथ मुझसे गलती हो गई, और एकदम बच्चों की तरह वो रोने लगा और कहता है कि ये सेवक, मतलब आप राजा हैं, मैं प्रजा हूं, मैं सेवक हूं, आपका भाई हूं, मैं भूल कर गया था, यदि आप मुझे आज्ञा दे तो मैं आपके चरणों पर शीश लाकर अपनी प्रायश्चित कर लूं। राणा ने अपने दोनों बाहें फैला दी, दोनों के गले आपस में मिल गए, दोनों की आंखें स्नेह की वर्षा करने लगी, दोनों के हृदय गदगद हो गए। इस शुभ मुहूर्त पर पहाड़ी वृक्ष ने पुष्प वर्षा की, नदी की कलकल धारा ने मदना की। जब दोनों भाई इन्हें प्रायश्चित करने लगा, विद्रोही शक्ति से अफसोस जताने लगा, तो राणा ने अपनी बाहें फैला दी, जैसे एक अपने को देख करके होता है, और दोनों भाई आपस में मिल गए, आलिंगनबद्ध हो गए, स्नेह की वर्षा होने लगी, दोनों गदगद हो गए थे, दोनों का हृदय जो है वो मैल से विहीन हो गया था,
जो थोड़ी देर पहले की जो अहंकार या प्रतिशोध की जो ज्वाला थी वो कहाँ न जाने काफूर हो गई थी। इस ऐसे सुंदर मुहूर्त पर पहाड़ी पुष्प की वर्षा होने लगी, यानी वृक्षों ने फूलों की वर्षा की, फूल गिरने लगे जमीन पर, और नदियों की कलकल ने, नदी की कलकल धारा ने ऐसा लगा मानो दोनों भाइयों के लिए वंदना कर रहे हो। प्रताप ने उन डबडबाई में आंखों से ही देखा, उसका चिर सहचर प्यारा चेतक दम तोड़ रहा है। सामने शक्ति का घोड़ा तैयार था, तो शक्ति ने कहा घोड़ा तैयार है, सत्य सिंह ने कहा, मतलब चेतक अचानक ध्यान आई दोनों भाई के मिलने के बाद महाराज प्रताप को कि उसका घोड़ा कहाँ है, पर चूंकि उसको तो गोली लगी हुई थी तो वो दम तोड़ रहा था, नेत्र जो है पानी से यानी जल से भरे हुए, आंसुओं से लबालब राणा ने अपने घोड़े को देखा, लेकिन वहां पर वक्त नहीं था, उन्हें तो वहां से निकलना बहुत जरूरी था। तो शक्ति ने कहा कि घोड़ा तैयार है, आप निकले यहां से, और फिर भैया आप विलम्ब न करें, घोड़ा तैयार है। फिर वो कहते हैं भैया आप विलम्ब न करें, यानी देर न करें, घोड़ा तैयार है, यहां से निकले। राणा शक्ति सिंह के घोड़े पर सवार होकर दुर्गम मार्ग को पार करते हुए निकल गए। दिन भर की मार काट के पश्चात रात्रि बड़ी सुनसान हो गई थी, शिविरों में से महिलाओं के रुदन की करुण आवाज हृदय को हिला देती थी। लड़ाई खत्म हो गई क्योंकि सब तितर बितर हो गए थे, लोगों को लगा कि राणा प्रताप भी मर चुके हैं। ठीक है, अब युद्ध समाप्त हो जाने के बाद रात्रि के समय में, जैसे हम जब रात को देखते हैं तो कैसे शांत हो जाता है ना, पूरा वातावरण जो है शांति छा जाती है, ठीक वैसे ही ये युद्ध क्षेत्र है, युद्ध तो दिन में करते हैं ना लोग, तो अब वहां पर क्या हो गया, वातावरण बिल्कुल चिर शांति को प्राप्त करनी है। ऐसे समय में जो शिविर है, शिविर का मतलब जो टेंट बना के रखते हैं जहां पर महिलाएं या और भी लोग रहते हैं, छोटे बच्चे वगैरह भी गए हुए होते हैं साथ में, वो सब रहे, वो चित्कार कर रहे हैं, रो रहे हैं, क्योंकि किसी का पिता, किसी का भाई, किसी का और कोई ने कटा है, मरा है, वो आ नहीं सकते हैं वापस, तो ये जो है बड़ी स्थिति बड़ी नाजुक वहां पर है, तो लोग रो रहे हैं, चित्कार कर रहे हैं, तो रुदन जो है पूरी वातावरण क्या कर रही है, हिला दे रही है। बच्चों हजारों सुहागिनों के सुहाग उजड़ गए थे, उन्हें कोई ढाढ़स बंधाने वाला न था, था तो केवल एक हाहाकार, चित्कार, कष्टों का अंबार। शक्ति सिंह अभी तक अपने शरीर में नहीं लौटा था, उसकी पत्नी भी प्रतीक्षा में विकल थी, उसके हृदय में जीवन की आशा निराशा क्षण क्षण उठती गिरती थी। शक्ति सिंह की पत्नी जो पहले ही समझा कर उनको भेजना चाहती थी, लेकिन वो माने नहीं थे, शक्ति सिंह निकल गए थे, और शक्ति सिंह की पत्नी ने क्या कहा था कि ईश्वर आपकी रक्षा करे। ठीक है, तो वो उसी चीजों को सोचते सोचते, यानी उन्हीं चीजों के बारे में बुद्धि में ख्याल रखते रखते, वो आशा निराशा, यानी एक पल आशा कि शायद शक्ति सिंह आएंगे सब कुछ ठीक होगा, एक पल निराशा कि शायद हो सकता है शक्ति भी ना आए, हो सकता है प्रताप ना रहे, इस प्रकार कई प्रकार की बातें जो है उनके मन में उठ रही हैं, गिर रही हैं, आ रही हैं, जा रही हैं। ठीक है, अंधेरी रात, काले बादल आसमान पर छाए थे, एकाएक शिविर में शक्ति सिंह ने प्रवेश किया, उसके कपड़े खून से तर थे, पत्नी ने कौतूहल से देखा, यानी रात अंधेरी है। अचानक शक्ति सिंह शिविर के अंदर आते हैं जहां उनकी पत्नी है, कपड़े लबालब ने एकदम लथपथ है खून से, पत्नी ने केवल देखा, पूछा कुछ भी नहीं। पति ने यानी शक्ति सिंह ने पत्नी से कहा, प्रिय, कहती है नाथ अपने पति से, शक्ति सिंह कहती है तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हुई, मैं प्रताप के सामने परास्त हो गया। आखिरी लाइन वो कहते हैं कि तुम जो कहती थी कि प्रताप को तुम्हें, प्रताप के साथ तुमको लड़ना नहीं है, तुम देवद्रोही हो जाओगे, तुम्हें हारना ही होगा, तुम्हें भाई से जीतना नहीं है, ये सब गलत है, अन्याय है, तुम कहा करती थी, तो बिल्कुल तुम्हारी जो इच्छा थी वही पूरी हुई, और मैं आज प्रताप के सामने परास्त हो गया हूँ। और इस तरह कहानी का पटच्छेद आप देख पाते हैं। ठीक है, तो बच्चों कुछ प्रश्न वगैरह की बात हम कर लें, क्या डर लग रहा है, प्रश्न उत्तर बताना पड़ेगा, कोई बात नहीं, डरने जैसी तो कोई बात ही नहीं होनी चाहिए, हमने पाठ पढ़ ली ना, तो उत्तर तो आप लोग बता सकते हो, है ना। तो मैं प्रश्न करती हूँ, शक्ति सिंह कौन था या कौन थे, आप दोनों कह सकते हैं, और उसकी क्या प्रतिज्ञा थी, कौन बताएगा, हाँ बताइए बताइए, साकेत बहुत पहले से मुस्कुरा रहे हैं, साकेत ही बताएं, बताइए क्या कहना चाहते हो। हाँ, शक्ति सिंह महाराणा प्रताप का छोटा भाई था, और उन्होंने महाराणा प्रताप से बदला लेने के लिए या महाराणा प्रताप की प्राण लेने की प्रतिज्ञा की थी। बहुत बढ़िया,
दूसरा प्रश्न मेरा है, मन्ना जी ने मेवाड़ का राज्य चिन्ह अपने मस्तक में धारण क्यों किया, इन्होंने क्यों पहन लिया था उनके मस्तक को लेकर, मस्तक से मुकुट को लेकर, क्या आप बता सकते हैं? कौन बताएगा? हाँ रोमिला, ठीक रोमिला बता रही है। हाँ सुशील बहुत सही, सोचते सोच कर बताइए, कोई दिक्कत नहीं, नहीं बनेगा हम बताएंगे आपको। हाँ बहुत सही, तो मन्ना जी ने मेवाड़ का राज्य चिन्ह अपने मस्तक में इसलिए धारण किया कि जो मुगल सेना है वो लगातार ये सोचते रहे कि ये प्रताप है, और इसी बीच में युद्ध के दरमियान यानी युद्ध चलता रहे और राणा जी जो है यहाँ से निकल करके चले जाए। बहुत बढ़िया। गृह कार्य मैं आपको देना चाहती हूँ, इसमें बहुत सोच विचार कर आपको काम करना होगा। जैसे शक्ति सिंह का अंतिम निर्णय क्या था, इस पर ये भी हो सकता है कि आप उस निर्णय के बारे में आप घर में काम करें, लेकिन हो सकता है कि आप अपने क्लास में बैठ करके, ठीक है, एक तरह से वाद विवाद जैसे ही करें कि शक्ति सिंह का निर्णय सही था, एक उस पर बात करें, और शक्ति सिंह का निर्णय गलत था, तो क्या होना चाहिए था। इस तरह से आप प्रतियोगिता भी आपस में एक दूसरे बच्चे मिलकर के आप लोग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने आपको लिखने के लिए कही है, तो आप लिखिएगा और लिख करके आप अपने शिक्षक को बताइएगा, ठीक है। शक्ति सिंह की आंखें ग्लानि से क्यों छलछला गई? शक्ति सिंह जब अपने भाई से मिलते हैं तो उनकी आंखें जो है वो ग्लानि से छलछला जाती हैं, या फिर वो जब युद्ध क्षेत्र से जब जा रहे होते हैं प्रताप का पीछा करते हुए, तो उस समय भी उनकी आंखें छलछला गई थी जब उन्होंने वीर सिपाहियों की कटे हुए सिर और धड़ को देखा था, ठीक है। उत्तर तो मैंने बता दिया है, लेकिन फिर भी आपको बनाना है। और इसके साथ साथ मैं आपको एक काम और देना चाहती हूँ कि इस पाठ में मुहावरों का प्रयोग बहुत ज्यादा हुआ है, ठीक है। तो जितने भी मुहावरे इस पाठ में प्रयुक्त हुए हैं, उन मुहावरों को आपको एक जगह संकलित करना है, और संकलित करने के बाद उनके अर्थ लिखना है, और अर्थ लिखने के बाद उसे वाक्यों में आपको प्रयोग भी करना है, ठीक है। कोई समस्या हो तो पूछिए किनसे, अपने गुरु जी से, आस पास में जो लोग होंगे उनसे। हाँ भाई हमसे भी पूछ सकते हो, हमारा फोन नंबर है, तो जरूर पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, हम भी आपको बता सकते हैं, इसमें क्या दिक्कत है, ठीक है बच्चों। तो विद्रोही शक्ति सिंह नामक पाठ आज हमने पढ़ ली है, आपको अच्छा लगा होगा ऐसा मैं मान करके चलती हूँ। इस ऐतिहासिक पात्रों को आप याद रखेंगे ऐसा मैं मानती हूँ, खास करके मैंने इसलिए कहा क्योंकि शक्ति सिंह राणा प्रताप को तो आप जानते हैं, मीरा जब भी पढ़ते हैं महाराणा को जानते ही जानते हैं, है ना, लेकिन शक्ति सिंह नामक इस पात्र को भी आप अपने जेहन में रखेंगे ऐसा मैं जानती हूँ, क्योंकि जो लोग गलत करते हैं उन्हें बाद में पछतावा होता है, लेकिन जो सही करते हैं उन्हें पछतावा नहीं करना होता है। इसलिए बच्चों हमें जीवन में वो काम करने चाहिए जिसमें हमें पछतावा के लिए कोई अवसर न मिले, ठीक है। तो आप लोगों ने सभी मेरी बात बहुत ध्यान से सुनी, हम मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए आपको बहुत 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 शुभकामनाएं कि आप स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, पढ़ते रहें, ठीक, नमस्ते।